देश में इन दिनों मौसम का मिजाज कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार देश के कुछ हिस्सों में बारिश और आंधी के आसार हैं। आईएमडी के अनुसार जम्मू कश्मीर और लद्दाख, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, तटीय आंध्र प्रदेश में आंधी और हल्की बारिश हो सकती है। वहीं गुजरात में रात में भी तापमान ज्यादा रह सकता है। इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश की बात करें तो राजधानी लखनऊ में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि 18 मार्च को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर गरज के साथ बौछारें पड़ने का पूर्वानुमान लगाया गया है। विभाग ने कहा है कि 19 मार्च को राज्य के अलग अलग जगहों में गरज के साथ बौछारें पड़ने की पूरी संभावना है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंगलवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक 17.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं मौसम विभाग ने बताया कि पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया है। इसकी वजह से पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में 17 और 18 मार्च को तेज बारिश और बर्फबारी होगी। 18 मार्च को देश के उत्तरी पश्चिमी इलाकों में भी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण बारिश और तूफान के आसार हैं। वहीं हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ का आंशिक प्रभाव नजर आ रहा है। इसके असर से उत्तरी हरियाणा के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है, जबकि 19 को प्रदेश के अन्य इलाकों में भी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश हो सकती है, जिसे गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी।